हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिजनेस कथा। आज हम बात करेंगे ऐसी कंपनी के बारे में जिसने सिर्फ 5 साल में मीडिया इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला दिया और ना जाने कितने लोगों को सक्सेसफुल बनाया। आज हम बात करेंगे ऐसी कंपनी के बारे में जिसका मार्केट वैल्यूएशन 100 करोड़ का है, जिसके यूट्यूब पर 2.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिसके 20 लाख से भी ज्यादा व्यूअर्स हैं, जिसे आज ITC, Facebook, UNDP, Vivel जैसी बड़ी बड़ी कंपनी स्पॉन्सर करती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी कंपनी के बारे में जिसने सभी लोगों में जोश भर दिया और लाखों लोगों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जोश स्टॉक्स के बारे में। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बिजनेस मॉडल भी दूंगा जो इस वीडियो से ड्राइव होगा। जोश स्टॉक्स एक प्राइवेट लिस्टेड कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत 2015 में हुई थी। इस कंपनी के फाउंडर सुप्रिया पॉल और शोभित भांगा हैं। इस कंपनी का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। इस कंपनी को शुरू करने का आइडिया मिस सुप्रिया पॉल को आया। सुप्रिया पॉल एक कॉमर्स स्टूडेंट थी। 12th खत्म होने के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उन्होंने CA भी करना शुरू किया। CA के कोर्स में सुप्रिया पॉल को इंटरेस्ट नहीं था। CA कोर्स करने के दौरान सुप्रिया पॉल ने एनालाइज किया कि इस देश में 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें क्या करना है ये पता ही नहीं, और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए उनके दिमाग में एक आइडिया आया। सुप्रिया पॉल ने सोचा कि क्यों ना ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां सक्सेसफुल पर्सनालिटीज आकर यूथ को गाइड करें। इस आइडिया को सुप्रिया ने अपने फ्रेंड शोभित भांगा के साथ डिस्कस किया। साल 2014 में सुप्रिया और शोभित ने मिलकर एक टॉक शो ऑर्गेनाइज किया, लेकिन उस टॉक शो में सिर्फ 5 लोग आए थे। कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट हर बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप अपने बिजनेस में कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो आप कोर कॉम्पिटेंसी क्रिएट कर सकते हैं, और इसी वजह से जोश स्टॉक्स ने भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स करी और नेक्स्ट ईयर सुप्रिया पॉल और शोभित भांगा ने एक सिटी में बहुत बड़ा टॉक शो ऑर्गेनाइज किया। वो टॉक शो हिट भी हो गया। उसके बाद इन ईयर 2015 जोश स्टॉक्स बन गई जोश स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड। उस टाइम पर जोश स्टॉक्स की एक कॉम्पिटेटिव कंपनी भी थी जिसका नाम टेड शो था। टेड शो भी अपने प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुल पर्सनालिटीज को बुलाया करती थी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ये कहा जाता है कि जो आपकी कॉम्पिटेटिव कंपनी की वीकनेस है वो आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये बात जोश स्टॉक्स के फाउंडर्स को पता थी। सुप्रिया और शोभित ने एनालाइज किया कि जो टेड शो है वो अपने इवेंट सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में करवाता है और शो में सिर्फ बिजनेसमैन और मिलेनियल्स को ही बुलाया जाता है। और आप खुद सोचिए कि जब एक छोटे से राज्य के छोटे से गांव के स्टूडेंट्स जब इस शो को देखते होंगे तो क्या बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी? नहीं सर। और जब स्टूडेंट्स स्पीकर की लाइफ को अपनी लाइफ से रिलेट ही नहीं कर पाएंगे तो वो इंस्पायर कैसे होंगे? तो इसीलिए जोश स्टॉक्स ने हर फील्ड के सक्सेसफुल लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट किया अपने प्लेटफॉर्म पे। भारत के मैक्सिमम स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब के लिए कंसर्न्ड हैं, इसीलिए जोश स्टॉक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी इनवाइट करना शुरू किया, और साथ ही साथ CS, CA, CMA जैसे बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज में जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपने प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करना शुरू किया। जोश स्टॉक्स ने अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए अपने वीडियोस को यूट्यूब पर स्ट्रीम करना भी शुरू कर दिया। साथ ही साथ आज जोश स्टॉक्स अपनी वीडियोस को 8 अलग-अलग भाषाओं में प्रेजेंट करती है, जिसकी वजह से हर रीजन का व्यक्ति इनके वीडियोस को देख सकता है और समझ भी सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि जोश स्टॉक्स अपना रिवेन्यू कमाती कैसे है। सर, जोश स्टॉक्स अपना रिवेन्यू पहला एडवर्टीजमेंट के थ्रू कमाती है। जोश स्टॉक्स अपने यूट्यूब चैनल पर एड दिखाती है, साथ ही साथ जोश स्टॉक्स अपने दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी एडवर्टीजमेंट दिखाकर रिवेन्यू कमाती है। जोश स्टॉक्स स्पॉन्सरशिप से भी पैसा कमाती है। आज रिलायंस इंडिया लिमिटेड, फेसबुक, LR, वुमेन UN जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जोश स्टॉक्स को स्पॉन्सर करती हैं। तीसरा, जोश स्टॉक्स अपने ऑनलाइन कोर्सेज को भी बेचकर रिवेन्यू जनरेट करती है। जोश स्टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, जोश स्टॉक्स लीडरशिप स्किल्स जैसी ऑनलाइन क्लासेस सेल करके भी अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। चौथा, जोश स्टॉक्स ऑफलाइन शोज के लिए टिकट बेचकर भी अपना रिवेन्यू जनरेट कर। जोश स्टॉक्स की फाउंडर मिस सुप्रिया पॉल को 25 जनवरी 2019 में हमारे देश के ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा नेशनल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज बहुत सारे बेस्ट मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशंस सुप्रिया पॉल को अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करते हैं ताकि वो उनके स्टूडेंट्स को एक बेस्ट मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट करना है इसके लिए ट्रेनिंग दे सकें।
इस केस स्टडी में जो बिजनेस मॉडल है वो है आईपी बिजनेस मॉडल, जिसका मतलब है आइडेंटिफाई बिजनेस मॉडल। ये बिजनेस मॉडल कहता है कि बिजनेस शुरू करके मार्केट की प्रॉब्लम एनालाइज मत करो, बल्कि मार्केट की प्रॉब्लम पहले एनालाइज करो और फिर बिजनेस शुरू करो। जैसे सुप्रिया ने पहले मार्केट की प्रॉब्लम समझी कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो अपने गोल को लेकर कंफ्यूज हैं, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टॉक्स की शुरुआत करी, और आज इसी वजह से ये कंपनी 100 करोड़ की हो गई है। इसीलिए पहले आप मार्केट एनालिसिस करके प्रॉब्लम एनालाइज करें और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिजनेस सेटअप करें, और इसी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कंफर्म हो जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा सर, कि जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा मार्केट का उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, और जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा मार्केट शेयर होगा और प्रॉफिटेबिलिटी होगी। इस वीडियो के अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश करी लेकिन चिराग आंधियों में चलते रहे। सो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी क्रिटिसिज्म की वजह से अपने सपने को मत टूटने दीजिएगा। अगर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और जोश स्टॉक्स की कहानी सबके पास पहुंचाएं। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बिजनेस कथा एंड प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू योर स्क्रीन। थैंक यू।